नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर भोला सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक एक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान में लोकसभा के 1000 से अधिक विशिष्ट परिवारों से संपर्क और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता संपर्क करेंगे और साथ ही लोकसभा के अधिक से अधिक बूथों पर अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे। सिंह ने कहा कि बीते 9 वर्ष भारत के नवनिर्माण के, भारत के गरीब कल्याण के रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हर पल देश को महाशक्तिशाली बनाने के लिए समर्पित किया है। आज पूरी दुनिया यह कह रही है कि 21वीं सदी भारत की ही सदी है। बीते 9 सालों में भारत ने पॉलिसी पैरालिसिस से डिवाइस पॉलिसी तक, अर्थव्यवस्था से फ्रिज i5 से टॉप के 5 में की यात्रा की है। भारत ने सबका साथ सबका विकास की कहानी लिखी और पत्रकार वार्ता में सांसद हिमाद्री सिंह से आकाशवाणी और शहडोल से नागपुर की डायरेक्ट ट्रेन के लिए बातचीत की तो सांसद के द्वारा कहा गया कि शहडोल से नागपुर की ट्रेन भी मेरी प्राथमिकता रही है और आकाशवाणी को लेकर बैठक चर्चा की जाएगी। पत्रकार वार्ता में भोला सिंह सांसद, हिमाद्री सिंह विधायक जेसी नगर, जय सिंह मरावी विधायक जेतपुर, मनीषा सिंह कटनी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं शहडोल जिले के प्रभारी श्री प्रीतांबर टोपनानी, लोकसभा प्रकाश जगवानी, जिला महामंत्री जनसंपर्क अभियान के जिला प्रभारी मनोज सिंह उर्मे, कोषाध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता, जिला सह मीडिया प्रभारी श्री सुनील शर्मा, अरुण द्विवेदी एवं अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फरीद खान की रिपोर्ट। में कितना फर्क है कि आप लोगों के माध्यम से ही विकास का भी माध्यम जाना जाता है और अगर भाई साहब ने बताया कि आवास योजना से लेके उज्ज्वला योजना से लेके शौचालय तक का अगर विकास आज की अगर 9 साल की सरकार कर रही है और 63 साल की सरकार ने अगर शौचालय तक के लिए नहीं सोचा तो उसके बारे में भी थोड़ा सा छापिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी भाई यहाँ पे आए। हमारा एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अल्पाहार वगैरह आप चाय लेके जाएं। नहीं, अभी थोड़ा सा चाय हो जाए। इन्हें आप लोगों का बीच क्या है वो सब करके ठीक है। हम लोग एक कार्यक्रम बातचीत हुई तब से नागपुर की डायरेक्ट ट्रेन मेरी भी प्राथमिकता रही और इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैंने उचित मंच पर बात नहीं रखा या मैंने बात को नहीं पहुंचाया, क्योंकि आप सब लोग भी बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, आप लोग भी उस चीज़ को जानते हैं कि देखिए क्या है कि ट्रेन चलना मतलब कोई ये एक का विषय नहीं होता है। हमारे यहाँ अभी जब मेरी बात हुई बीच में, चूँकि हमारे निर्वाचित होने के बाद 1 साल के बाद फिर 2 साल के बाद ये कोरोना काल भी आया, कोविड के समय 2 साल बहुत से काम प्रभावित भी रहे हैं और इसके बाद निरंतर मैं माननीय रेल मंत्री जी से और मैंने लोकसभा के पटल पर भी इस विषय को मैंने रखा और अभी मेरे जो हमारे इस क्षेत्र के जो जोन लगते हैं, हमारा SECR जोन बिलासपुर लगता है, इसकी अभी पिछले मुझे लगता है 2-3 माह पहले हमारी बैठक हुई थी और वहाँ पर भी ये विषय मैंने प्रमुखता से रखा था और वहाँ के भी संबंधित DRM है, GM है और सभी को मैंने ये बोला था कि हमें एक नागपुर की डायरेक्ट ट्रेन चाहिए और इसके लिए जो हम क्या रूट कर सकते हैं या जो ट्रेनें चल रख सकती जो चल रही हैं क्या उसका एक्सटेंशन हम बढ़ा सकते हैं, इस विषय पे मेरी उनसे लगातार विस्तार से चर्चा हुई और अभी हमारे जबलपुर और बिलासपुर जोन के रेलवे के अधिकारियों से चर्चा करके हम अभी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 2 जो रूट लाइन है वो एक पॉसिबिलिटी बन रही है, एक आपका अंबिकापुर से नागपुर, दूसरा जबलपुर से वाया इधर कटनी साउथ और होते हुए आपका नागपुर, तो ये 2 जोन में हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। अब ये विषय संबंधित जोन से जब रेलवे बोर्ड जाएगा और रेलवे बोर्ड से मैं माननीय मंत्री जी से चर्चा करके हम कौन सा किस रूट पे पॉसिबिलिटी बनती है उस बारे में फिर उस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और ये मेरी भी प्राथमिकता है। अब मैं आती हूँ आपके दूसरे विषय में।
जो आपने पूछा अभी पासपोर्ट कार्यालय का, पासपोर्ट कार्यालय का भी मामला मेरे संज्ञान में है और ये बहुत पहले से चल रहा था। इस माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में केंद्र सरकार के 9 साल विकास के, 9 साल गरीब कल्याण के, 9 साल सुशासन के पूर्ण होने पर एक महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा पूरे देश में चलाने का योजना तय हुई और इस योजना के तहत सभी पार्टी के वरिष्ठजनों को, माननीय मंत्रीगणों को 4-4 लोकसभा का क्लस्टर दिया गया और उसमें केंद्र सरकार की सभी योजना जो परिवर्तन इन 9 सालों में देश में हमें देखने को मिला वो विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से ये विषय पार्टी की तरफ से आया और ये अभियान 30 मई से लेकर 30 जून तक चलाने की योजना बनी जिसमें 51 पूरे देश में बड़ी जनसभा भी होगी जो राष्ट्रीय नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी के समूह हर लोकसभा स्तर पर एक जनसभा होगी और इसके साथ साथ लाभार्थी सम्मेलन, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, एक विस्तृत जनसंपर्क अभियान पार्टी का है। हमने देखा कि आज़ादी के 75 साल देश में पूरे हुए, इन 75 सालों में लगभग 63 साल कांग्रेस और यूपी का शासन रहा और अब 2014 से अभी तक माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। देशवासियों के जन कल्याणकारी हेतु अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो आवास है, चाहे शौचालय है, चाहे गैस है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड है, इसके साथ साथ देश के विकास के, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े काम जैसे नेशनल